ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। 24 साल बाद कांग्रेस के इतिहास में वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया जब देश की सबसे पुरानी पार्टी की कमान किसी गैर गांधी शख्स के हाथों में आ गई है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। वहीं खड़गे के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शिरकत करने दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पूरे देश के सीनियर और जूनियर नेता कार्यकर्ताओं का अब एक ही सोच होनी चाहिए। सोनिया गांधी के फैसले से नॉन गांधी खड़गे साहब अध्यक्ष बन गए हैं। अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम कैसे उन्हें कामयाब करें। पीएम गहलोत ने कहा कि बूथ ब्लॉक लेवल पर कांग्रेस मजबूत हो, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया विश्वास पैदा हो। देश के सामने चैलेंज बहुत बड़ा है। अभी जो तस्वीर दिखाई जा रही है वो सच नहीं है। आपको बता दे, मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि और अभी भी जो है राहुल गांधी जी की इच्छा थी कि एक बार नॉन गांधी बने अध्यक्ष। हालांकि लास्ट मोमेंट तक ये प्रयास हुए कि राहुल जी अध्यक्ष बने वापिस, तो वही चुनौती दे सकते हैं मोदी जी को और सरकार को, एनडीए गवर्नमेंट को, तो दे रहे वो। अब यात्रा ने तो एक मैसेज दे दिया पूरे कंट्री के अंदर कि प्यार मोहब्बत की राजनीति हो, वो क्या रहा देश के अंदर, चिंता वाली बात है, हिंसा हो रही है, तनाव है, सब बंद होना चाहिए। ये मैसेज के साथ वो चल रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा लेकर के, तो पूरे देश में वेलकम हो रहा है उसका यात्रा का। तो ये इस बार उन्होंने तय कर लिया कि नॉन गांधी अध्यक्ष बनना चाहिए, इसलिए आज खड़गे साहब बने और आज वो उनको चार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे बताया कि तो मैं समझता हूँ कि चुनौती बहुत बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं, और हम सब मिलके पूरे देश के अंदर जो सीनियर जूनियर जो भी लोग हैं, नेता लोग, कार्यकर्ता हैं, सबका एक ही ध्येय हो कि एक बार सोनिया जी ने जो फैसला किया है नहीं बनने का गांधी फैमिली का, और नॉन गांधी फैमिली का बन गए हैं खड़गे साहब, तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम कैसे उनको कामयाब करें, कांग्रेस को मजबूत करें, नए सिरे से कांग्रेस के अंदर बूथ ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पर कांग्रेस मजबूत हो, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया कॉन्फिडेंस पैदा हो। आगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अरविंद केजरीवाल और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि एक नई पारी की शुरुआत भी हो रही है, क्योंकि चैलेंज बहुत बड़े हैं देश के सामने। ये जो मीडिया दिखा रहा है वो सब कुछ सच नहीं है, वो दबाव में दिखा रहा है। ये मीडिया दिखा रहा है, ये एनडीए गवर्नमेंट के दबाव में दिखा रहा है देश को। अब केजरीवाल जी और नए पैदा हो गए, वो भी मोदी जी की तरह ही, और जिस प्रकार से ऑरा बना रखा बीजेपी ने मीडिया में, ये भी मीडिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्वेस्ट कर रहे हैं, और मीडिया उसको स्वीकार कर रहा है क्योंकि उनको तो रेवेन्यू हो रही है। पर ये देश हित में नहीं है। एक तरफा मीडिया चल रहा है केजरीवाल जी और बीजेपी को लेकर, तो ये तमाम बातें जो हो रही है वो अच्छी नहीं हो रही है। तो कांग्रेस के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि बिना साधनों के डरा रखा है सभी दानदाताओं को कि कांग्रेस को कोई तरह का चंदा नहीं मिलना चाहिए, तो बिना साधनों के कांग्रेस को लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और उसके लिए हम सबका माइंड सेट बनना चाहिए। उसी रूप में हम चैलेंज को स्वीकार करें, और चैलेंज को स्वीकार करके हम लोग किस प्रकार से मुकाबला करें इन लोगों का, जो फासिस्ट लोग हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कानून का राज नहीं रह रहा कई राज्यों में, तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा है कि जो हेट स्पीच दे रहे हैं उनके खिलाफ में आप शो मोटो एक्शन करो, मतलब केस दर्ज करो, कोई कंप्लेंट नहीं करे तब भी करो। क्या क्या नहीं हो रहा, उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली का नाम लिया है, तीनों राज्यों का नाम भी लिया है कि जहाँ नफरत भरी जो स्पीच हुई है उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने क्या नहीं कहा है, तो तब भी इन लोगों का असर नहीं पड़ता है।
क्योंकि इनका विश्वास नहीं कि जुडिशरी का क्या महत्व है। वहीं मल्लिका अर्जुन खड़गे के पार्टी अध्यक्ष बनने से दलित वोट बैंक का फायदा होने के सवाल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अब देखिए दलित नेता को एक मौका मिला अध्यक्ष बनने का, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा फैसला है। पूरे देश के दलित वर्ग के लोगों को भी एक विश्वास जमा है कि हमारी एक इतनी ऐतिहासिक पार्टी कांग्रेस पार्टी, उसके अध्यक्ष बनना मायने रखता है। और खड़गे साहब को ये अवसर मिला है तो हम तो बार बार उनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि दलित वर्ग का फायदा मिलेगा, मिलेगा पार्टी को, दलित का मिलेगा, पिछड़ों का मिलेगा, आम लोगों को मिलेगा, और चाहे वो कोई जाति धर्म वर्ग का आदमी हो। खड़गे साहब की पर्सनैलिटी ऐसी है, लंबा अनुभव है राजनीति में, इसलिए मेरा मानना है कि उन तमाम बातों का फायदा जो है खड़गे साहब के बनने का फायदा ही मैं समझता हूँ कांग्रेस को मिले। पॉलिटॉक्स ब्यूरो दिल्ली, ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।